सिरोही जिले के थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी विंध्याचल में मजदूरों ने धरना दिया। दरअसल प्लांट में काम करने वाला एक कर्मचारी ड्यूटी के दौरान पिछले 3 दिनों से लापता है और जब परिजनों ने प्रबंधन से लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, जिससे नाराज परिजनों के साथ कर्मचारियों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे हम तो भाई यहाँ मरले में रहना तो भाई हर दिन मोबाइल ना बात करे काम ना जाना है यहाँ कमे पर कमाई फिर घर जाना है तो पैसे का तेरे सुपरवाइजर हम बैठे काले 5 बजे फोन करे काली हाँ कहाँ के आके का तेरे खोज ला कहाँ रखनी साइकिल उनका कपड़ा पास यहाँ साइकिल वो नहीं मिला जगजीवन प्रसाद गल घर में तो हमारे बहन से तो बहन हमारे बोली कि भाई हमारे यहाँ तो घर अल नहीं जाए तो कहें कि हम 11 बजे से 5 बजे तक तू लेबर लेकर काम हम खोज थी और उन करे कि पाए नहीं जाए तो ऐसा करा कि तोरे अपने रिश्तेदार में खोज हो ले पता कर ला और काल 7 बजे लेकर यहाँ आज खोजा फिर तीनों के साथ में हम ही चला प्लांट में खोजा। मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ कि जिला प्रशासन इनकी मुट्ठी में है, इसलिए कि एनटीपीसी के अंदर जिले के मुखिया चाहे वो कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो या तमाम टीआई सीएसपी एडिशनल एसपी ये सब के सब जो है ना एनटीपीसी के कैंपस के अंदर रहते हैं और इसलिए लगातार मजदूरों की मौत पर ये चुप्पी साध लेते हैं, जांच के नाम पर मामले को लिंगर ऑन करते हैं और महीना 2 महीना 3 महीना होने के बाद धीरे धीरे वो घटना दब जाती क्योंकि मजदूर